नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। चलिए अब केपी एक्सप्रेस कर्नाटका की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। मुंबई ने अगले 3 दिनों के लिए सभी हाई स्कूल और कॉलेज बंद करने का आदेश दिया। कर्नाटका हिजाब विवाद, शिवमोगा में छात्र ने तिरंगे की जगह भगवा झंडा लगाया। हिजाब विवाद, विरोध के बाद बंद हुआ उड़पी का MGM कॉलेज। मैसूर, नारायण शास्त्री रोड पर सदियों पुराना स्कूल ध्वस्त। कर्नाटका में हिजाब का विरोध तेज, गृह मंत्री बोले पुलिस बल प्रयोग का मौका न दे। हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा रहा है, यह अच्छा विकास नहीं, हिजाब विवाद पर कर्नाटका उच्च न्यायालय ने कहा। हिजाब विवाद बढ़ा, शिमोगा में छात्रों द्वारा कॉलेज में पथराव के बाद धारा 144 लागू। श्रीरंगपटना तालुका के KRS गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की सामूहिक हत्या के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। माधुर्य रानी, लता मंगेशकर के बीदर सीमावर्ती गांव से है बड़ा रिश्ता। हिजाब विवाद, इब्राहिम जमीन पर देशद्रोह का मामला दर्ज करे, कहा रेणुकाचार्य ने। सीएम मुंबई ने अमित शाह से की मुलाकात, 5 राज्यों के चुनाव के बाद ही कैबिनेट में फेरबदल। हादसे में बेंगलुरु परिवार की 3 महिलाओं की मौत। मैसूर, विरोध के बीच NTM स्कूल की इमारत को गिराया गया, विवेकानंद स्मारक के लिए रास्ता बनाने के लिए। हिजाब भगवा और नीली शॉल पहने छात्रों को चिकमंगलूर कॉलेज में प्रवेश से वंचित किया गया। राहुल गांधी के सलाहकार और सिद्धरामैया के बीच मुलाकात ने बढ़ाई चिंता। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए JSS प्रशिक्षण संस्थान CSE और KS प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा 2022-23 की तैयारियां करने वाले उम्मीदवारों के लिए 6 से 110 महीने लंबे कोचिंग कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। कर्नाटक साहित्य अकादमी कन्नड़ा शोध पर 5 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित करेगी। अतिथि संकायों की नियुक्ति के लिए द्वितीय चरण की काउंसलिंग की संभावना। हिजाब व भगवा शॉल उड़पी के MGM कॉलेज में छात्रों के बीच झड़प। दिल्ली में सीएम बोमे ने कहा कि कर्नाटका नदी जोड़ने की परियोजनाओं पर समझौता नहीं करेगा। केपी एक्सप्रेस कर्नाटका में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए KP न्यूज ताजा खबरों के लिए। धन्यवाद।